गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और मॉर्निंग हो गई है और अब मैं सबसे पहले सुबह उठते ही जो कल के कपड़े थे उन्हें मैं तय लगा रही हूँ। तो जी, कल ना मैं कपड़े तय नहीं लगा पाई और मैं अब जल्दी सुबह उठ के ही जल्दी कर देती हूँ और अलमारी में भी कपड़े फटाफट सेट कर देती हूँ, क्योंकि कल मैं नहीं कर पाई। कल मैं थक भी गई थी और मेरे दांत का दर्द बढ़ते जा रहा है और दांत की वजह से खाना भी नहीं हो पा रहा है, ठंडा गर्म भी लग रहा है, पानी भी लग रहा है और दांत की वजह से सीधा सिर में दर्द हो रहा है। तो इस वजह से ये रह गए थे, तो मैं इनको जल्दी से सेट कर देती हूँ और नहा धो के पूजा करके फिर मिलती हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी और आज भी मैंने पहनी है साड़ी। तो दुर्गा पूजा में, दुर्गा पूजा कह रही हूँ, गणेश पूजा में मैं 10 दिन तक साड़ियाँ ही पहनूंगी। यूजुअली मैं साड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ घर में, लेकिन जब फेस्टिवल होता है या कोई पूजा होती है तो साड़ी पहनना बनता है। देखें तो जी, ये देखिए, ये मैंने पहनी है साड़ी आज, है ना। ये बंदेज की साड़ी है और पूजा करके फिर मैं मिलती हूँ। तो जी, पूजा करके मैंने बनाई है जल्दी से चाय और इतने चाय में उबाल आएगा, चाय रेडी होगी। इतने में जो रात में बर्तन करके सोती हूँ तो अभी ये सूख चुके हैं और इनको फटाफट से सेट कर देती हूँ। इनको अलमारी में या जो भी ड्रॉअर है इन सब में सेट करने के बाद मैं पीऊँगी चाय और फिर मुझे जाना है हॉस्पिटल। हेलो फ्रेंड्स, तो ये मैंने कल जो रात को दही जमाया था वो मैं दिखाती हूँ आपको कैसा जमाया है घर का दही। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये मैं थोड़ा सा पहले नीचे डाल देती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट दही जमा है और ये मैं खा के बताती हूँ आपको। बहुत बढ़िया दही जमा है। बाजार के दही से साफ सही दही नहीं जमता है, तो प्रेफर कीजिए कि खट्टा आप ऐसी जगह से लाएं जहाँ पे अभी भी सकोरों में या मिट्टी के बर्तन में या परात में दही खुद जमाते हों, क्योंकि जो आजकल हांडी वाला रेडीमेड जो कंपनीज के थ्रू जो दही आ रहा है उससे दही बिल्कुल भी नहीं जमता है। और ये मैंने उनसे दही मांगा था थोड़ा सा जमाने के लिए और जमाया है, इसको कंटिन्यू कर रही हूँ और बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी मीठा दही जमाया है। तो आप भी घर में दही जमाइए। तो जी, मैं चाय ले आई हूँ और चाय पी रही हूँ और चाय के साथ ली है मैंने ग्लूकोज की बिस्किट और बस मैं आराम से चाय पी रही हूँ। फिर ब्रेकफास्ट के बारे में सोचेंगे, लंच के बारे में सोचेंगे। वैसे लंच में आज मुझे कुछ नहीं बनाना है, रात का थोड़ा सा पनीर पड़ा है और कल दोपहर की उड़द चने की दाल है, तो मैं सिर्फ रायता बनाऊंगी साथ में और रोटी के साथ हम खाएंगे, तो इतना ही बनाऊंगी। तो जी, चाय पीने के बाद ना, ये मेरे पास पुरानी ब्रेड थी, इसका मैंने बना लिया कचूमर और उसमें डाली है कटी हुई हरी हरी मिर्ची, टमाटर और शिमला मिर्च और इनको ब्रेड में डाल लिया है मिला के। और इसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नमक, मिर्च और जीरा और पानी से इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। बाइंडिंग के लिए मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच इसमें लिया है मैदा और जल्दी से इसका एक मैं गरम तवे पे घी डाल के और इसको इस तरीके से सेक लेंगे जैसे कि हम चीले या डोसा वगैरह बनाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया टेस्ट बन के इसका रेडी हुआ है और यकीनन बहुत अच्छा लग रहा है। इसको आप मेयोनीज़ के साथ, हरी चटनी के साथ या टमाटो केचप के साथ आप सर्व कीजिए। तो हल्का फुल्का नाश्ता है, सुबह मैंने नाश्ते में यही बनाया है और अब मुझे भागना है जल्दी से हॉस्पिटल। घर से भागी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से सीधा घर और घर आके बनाया मैंने रायता। टमाटर प्याज का रायता, तो जी यही है दोपहर का खाना जिसमें रोटी है और दाल है, सब्जी है, रायता है और थोड़ी सी प्याज है। एक्चुअली आज मैंने ताजा सिर्फ रायता बनाया है और ये लेफ्ट ओवर खाना था तो इसको मुझे ख़त्म करना है आज। तो जी, शाम के नाश्ते में मैंने रेडी किया है दूध और बनाई है मैगी। तो जी, मेरा बेटा भी
नीचे गया था और वहाँ से ये लाया है MTR बादाम मिक्स, और मैं इसको दूध में डालती हूँ और फिर फ्लेवर देखते हैं हम कि इसका कैसा बनता है। दूध में ये बादाम का मिक्स डालने पर ये बिल्कुल ऐसा टेस्ट दे रहा है जैसे ठंडाई होती है ना, तो बिल्कुल वही टेस्ट दे रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है इससे बादाम दूध, जो बच्चे सीधा नहीं पीते हैं ना, वाइट दूध नहीं पीते हैं, तो बॉर्नविटा की जगह, हॉर्लिक्स की जगह आप ये डाल सकते हैं इसमें। ये इसमें बादाम दिख रहे हैं और इलायची भी है, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर जो है दूध का बहुत ही बढ़िया बन गया है। अदरक लहसुन ख़त्म हो गया था, उसी का पेस्ट बनाने की तैयारी हो रही है। और ये मैंने दिन में ना अदरक लहसुन जो थे इसको मैंने बील के रख लिए, छील के रख लिए, और मैं इसे पीस रही हूँ। थोड़ा सा अगर इसमें पानी डाल देंगे दो एक घूंट, तो जो है ग्राइंडिंग कितना बिल्कुल बारीक फाइन पेस्ट बना है, और यही कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी। और बस अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ जी। ये दो लॉट में मेरा लहसुन अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया है, और मैं इसको शीशे के जार में, ये मैंने शेजवान चटनी का जार है तो शीशे के जार में आप इसको निकालिए। प्लास्टिक में थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, ऐसी चीज़ जो थोड़ी लंबी चलती हो। तो ये मैंने कर लिया है, और ये लगभग आधा जार निकला है मेरा, और ये चलेगा एक महीना। दाल मैंने भिगो के भी रखी थी आधा घंटा, और दो सीटी में काफ़ी हद तक हो गई है। बस बीच का जिसे पेट कहते हैं हाफ कुक हुई है ये, और इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूंगी दो हरी मिर्ची, और इसमें डाल दूंगी चावल, और आधा चम्मच गरम मसाला, जो ये बनी है मेरी चने की दाल का पुलाव कह सकते हो, खिचड़ी कह सकते हो। आप भी इस तरीके से बना सकते हैं और गरम गरम घी डाल के खा सकते हैं। जी हाय फ्रेंड्स, जो मैंने कल बीज मंगाए थे और अब उनका टाइम है, उनको मैं आज मिट्टी में दबा दूंगी ताकि पेड़ निकल जाए। तो उसके लिए मेरे पास ये कुछ डिब्बे हैं, और मेरे पापा जी जब भी आते हैं तो वो हमेशा नमकीन बिस्कुट, क्योंकि मुझे नमकीन ज़्यादा पसंद है, तो वो नमकीन चीज़ें लाते हैं, मट्ठी नमक पारे। तो आजकल नमकीन मट्ठी नमक पारे टूटे ना, इसलिए इस टाइप के कंटेनर्स में देते हैं वो। तो ये देखिए मैंने कितने सारे उनको जब भी लाते हैं, वो हमेशा मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, उनको रख लेती हूँ। और ये देखिए मेरे पास कितने सारे डिब्बे हैं, तो आज यही मेरी हेल्प करेंगे, काम करेंगे। मुझे अलग से कोई गमले या नर्सरी पॉट जो होते हैं छोटे छोटे जिसमें सीडलिंग कराया जाता है, तो उसके लिए मैं अलग से कोई भी कंटेनर या मतलब गमले नहीं लूँगी। तो ये देखिए ये इस साइड से है, और मैंने इसमें क्या किया है, बीच में पीछे नीचे की साइड से मैंने स्क्रू को गर्म किया गैस पे, और वहां से ना इसमें होल बना दिया है ताकि पानी इसमें रुके नहीं। तो जी ये देखिए आपको छेद दिख रहे होंगे, ये मैंने स्क्रू से, देख रहे हैं आपको, तो ये मैंने स्क्रू को गर्म किया गैस पे, और फिर मैंने यहाँ पे छेद बना लिए हैं ताकि इसमें जो है पानी रुके नहीं, और अगर पानी इसमें रुकेगा तो बीज जो है मेरे गल सकते हैं, गलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो जो एक्सेस वाटर होगा वो इन छेदों में से निकल जाएगा और बीज जो है वो मेरे सेफ़ रहेंगे, जितना उनको पानी चाहिए होगा वो पानी मिल जाएगा। तो इसमें मैं पहले मिट्टी भर लेती हूँ सब में, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी ये मैंने मिट्टी से भर लिए हैं,
और इसमें सिंपल गार्डन सॉइल है, उसके साथ थोड़ा सा मैंने रेता मिलाया है और बस, और कुछ नहीं डाला है। और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसमें बीज बो दिए हैं और अब मैं इनको रख देती हूँ। देखते हैं हफ्ते भर में या 10 से 15 दिन में इसमें छोटे छोटे पेड़ निकलते हैं, ये कैसे निकलते हैं। तो जो भी होगा मैं वीडियो में अपडेट देती रहूँगी। तो जी बस रात की किचन की टर्न है, फटाफट से मैंने बर्तन मांजे हैं और स्लैब साफ़ की है, गैस साफ़ करी है, और इसी एंड के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे विराम देती हूँ। बाय।